आ रहे हैं वो दशावतार का आखिरी अवतार कल्कि, वो पेड़ जो हम कल्कि मूवी में भी देख सकते हैं, शंभाला का सबसे पवित्र पेड़ जिसके नीचे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए उनके माथे पर तीन लकीरें दिखाई देती हैं जिन्हें त्रिकुंद्र तिलक कहा जाता है। कल्कि मूवी का सबसे बड़ा स्पॉइलर, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा अपने हर फेरे में, बस वो प्रलय ही संग लाएगा। थरथराती धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। सनातन धर्म की एक ऐसी कहानी जो युगों युगों से सुनाई जा रही है, एक ऐसी गाथा जो शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत युद्ध के आखिरी दिन दिए गए एक श्राप से, वो श्राप जो आज हमारे अंत की ओर इशारा कर रहा है। वो कहानी अश्वत्थामा और कल्कि भगवान की, जिस पर बनी कल्कि मूवी के बाद हर कोई बस यही जानना चाहता है कि ये कहानी कितनी सच है। कई सारे सवाल, कई सारी फैन थियोरीज, और इन सब में छुपे हैं महाभारत के कुछ ऐसे अंश जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते। आ रहे हैं वो अहुदा मजदा, सेकेंड कमिंग, रुद्र चक्रिन, दशावतार का आखिरी अवतार। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि रूमी भगवान कल्कि के आने की बात करते हैं। उन्होंने चार नाम लेकर कहा कि ये सब एक ही हैं जो अंधेरे का विनाश करेंगे। कई धर्मों में ऐसे योद्धा की बात की जाती है। अहुदा मजदा यानी वो जिसने ये सृष्टि बनाई है, सेकेंड कमिंग यानी जीसस क्राइस्ट, दशावतार का आखिरी अवतार भगवान कल्कि। लेकिन रुद्र चक्रन, ये नाम हमें ले जाता है हमारी प्राचीन कहानियों में, जहां हम जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कैसे हुआ। रुद्र चक्रन यानी शंभाला का आखिरी राजा, वो शहर जहां भगवान कल्कि का जन्म हुआ। हिमालय के पर्वतों के बीच कहीं बसी हुई एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने ज्ञान और अध्यात्म की उच्चतम सीमा पार कर ली हो, जिनका मन बिल्कुल साफ हो, जो इस दुनिया के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका हो। कुछ लोग शंभाला को धरती पर स्वर्ग की तरह देखते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये जगह धरती पर है ही नहीं, बल्कि ये तो एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है जहाँ सिर्फ स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग ट्रेवल कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने अध्यात्म के शक्ति से कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी समय में ट्रेवल कर सकते हैं। शंभाला एक ऐसी सीक्रेट जगह है जिसे ना सिर्फ सनातन धर्म बल्कि तिब्बतन बुद्धिज्म, चाइनीज और भी कई सारे धर्मों में मान्यता दी जाती है। इस जगह के इतने सारे नाम हैं कि इसे द लैंड ऑफ थाउजेंड नेम्स कहा जाता है। और अगर हम रिसर्च की भी माने तो हिमालय एक ऐसी जगह है जिसे आज भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया, और इन्हीं में से एक शंभाला मानी जाती है। अमेरिकन से लेकर जर्मन नाजीस हर कोई इस जगह की खोज में हिमालय आया, लेकिन शंभाला आज भी एक गहरा राज है। और इसी शंभाला का एक राज है अश्वत्थ वृक्ष, शंभाला का सबसे पवित्र पेड़ जिसके नीचे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है, वो पेड़ जो हम कल्कि मूवी में भी देख सकते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार जब ग्रहों की खास दशा होगी तब विष्णु व्यास और सुमति के परिवार में भगवान कल्कि का जन्म होगा। खड़ग अश्विनी नक्षत्र, कल्कि मूवी में बताया गया वो दिन जब ग्रहों की एक खास दशा बनती है, एक ऐसी दशा जो 6000 सालों में एक ही बार दिखाई देती है, द डार्केस्ट डे इन 6000 years। खड़ग का मतलब है आग से बनी तलवार, लेकिन असल में अश्विनी नक्षत्र हमारी एस्ट्रोलॉजी का एक आम हिस्सा है। इसे मेष राशि के साथ देखा जाता है। मार्च अप्रैल में आने वाला ये नक्षत्र नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। इसे शक्ति और हीलिंग का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस नक्षत्र का प्रतिरूप एक घोड़ा है जो भगवान कल्कि का वाहन भी है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होगा। लेकिन कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म बैसाख के 12वें दिन पर होगा, जो अप्रैल से मई के बीच में आता है। इन दोनों में कुछ दिनों का अंतर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कई सालों बाद एक ऐसा क्षण आए जब अश्विनी नक्षत्र को बैसाख महीने में देखा जाए, और वही इशारा होगा कि कल्कि अवतार सच में आने वाले। गुरु द्रोण के पुत्र भगवान शिव के अंश अश्वत्थामा, जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं श्राप दिया, इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स में से एक। मूवी का सबसे पहला सीन जहां अश्वत्थामा एक घास का टुकड़ा उठाते हैं और उससे एक अस्त्र बना देते हैं। वेद व्यास की महाभारत में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अर्जुन के अलावा एक अश्वत्थामा ही थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। वो एक ऐसे योद्धा थे जो किसी भी चीज में ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर सकते थे, लेकिन इसी ब्रह्मास्त्र की वजह से उन्होंने एक ऐसा पाप कर दिया जिसकी वजह से स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। मूवी में हम देखते हैं कि अपने श्राप के बाद अश्वत्थामा साधना में लीन हो जाते हैं, और अब वो कमजोर हो चुके हैं। उनके चेहरे पर कई सारे घाव हैं और
मूवी में जब उन पर हमला होता है तो वो जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें उनकी मणि मिलती है उनके सारे घाव भर जाते हैं और उसके बाद कोई भी वार उन पर बेअसर होता है। ये चमत्कार है उस शिव मणि का जिसे महादेव ने उन्हें वरदान में दिया था, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिससे कोई अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी, कोई बुरी शक्तियां, भूख प्यास, कुछ भी अश्वत्थामा को हानि नहीं पहुंचा सकता। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, इसलिए उनके माथे पर तीन लकीरें दिखाई देती हैं। वो तिलक जो शिवजी अपने माथे पर लगाते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो मूवी में भी अश्वत्थामा के सर पर आपको त्रिकुंद्र तिलक की तीन लकीरें दिखाई देती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो अश्वत्थामा पूरी मूवी में सबसे ऊंचे और बड़े दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि वो 8 फीट के थे, लेकिन महाभारत के सीन्स में जब वो कृष्ण या अर्जुन के सामने होते हैं तो उनकी हाइट नॉर्मल होती है। ये भी हमारे ग्रंथों से ली गई बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल है। स्कंद पुराण के अनुसार जैसे जैसे युग बीतते हैं इंसान की लंबाई कम होती जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा द्वापर युग से हैं, उनकी हाइट ज्यादा दिखाई गई है। और यही इस मूवी की खास बात है कि कितनी बारीकी से चीजों को दिखाया गया। कल की मूवी का सबसे बड़ा स्पॉइलर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन और मूवी का वो पॉइंट जब सबके मुंह खोले रह गए, सूर्य पुत्र अंगराज कर्ण। हमें पूरी मूवी में ये दिखाया जाता है कि वो भैरवा है जिन्हें हम शिव के रूप काल भैरव काशी के रक्षक समझते हैं, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उनके जन्म की कहानी में वो एक टोकरी में मिले थे एक शिप के कैप्टन को, बिल्कुल सूर्यपुत्र कर्ण की तरह, जो एक रथ के सारथी को एक टोकरी में मिले थे। यहाँ तक कि कर्ण की तरह ही भैरवा के शरीर पर हमेशा एक कवच दिखाई देता है जो कई तरह से उनके शरीर का एक हिस्सा नजर आता है। अश्वत्थामा भाग्य रचेता ब्रह्मदेव का गांडीव है ये, इसका प्रतिरोध असंभव है। गांडीवधारी अर्जुन महाभारत के सबसे शूरवीर योद्धाओं में से एक, जिन्होंने अपने गांडीव से बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया। एक ऐसा अस्त्र जिससे अर्जुन 1,00,000 योद्धाओं से लड़ सकते थे। महाभारत के अनुसार इस गांडीव की रचना स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी, जिसके बाद ये वरुण देव का अस्त्र बना और अर्जुन को मिला। साथ ही उन्हें मिला अक्षय तरकश, एक ऐसा तरकश जिसके बाण कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन महाभारत के युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन के सामने आए सूर्यपुत्र कर्ण, जो परशुराम के शिष्य थे, और उनके हाथ में था विजय धनुष, वो धनुष जिसे स्वयं महादेव ने इस्तेमाल किया था त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए, जिसके इस्तेमाल से परशुराम ने 21 बार इस संसार से क्षत्रियों का अंत कर दिया था, वो धनुष जिसके सामने कोई नहीं जीत सकता। इसलिए हम मूवी में वो सीन देखते हैं जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अग्निदेव का रथ, ब्रह्मदेव का धनुष, श्री हनुमान और श्री कृष्ण के होते हुए भी अगर वो योद्धा उनके रथ को 2 कदम पीछे कर सकता है तो उसमें कितनी शक्ति होगी। कल की मूवी में प्रभास भैरव है या कर्ण ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन दोनों धनुष का होना कर्ण अर्जुन के युद्ध की ओर इशारा करता है, या कहा जाए इंद्रदेव और सूर्यदेव के युद्ध की ओर। इतिहास में देखा जाए तो हर युग में इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच युद्ध होता है। द्वापर युग में अर्जुन और कर्ण, और अब कलयुग में इनके धनुष से युद्ध लड़ा जाएगा। हमने मूवी में देखा कि कैसे सुप्रीम यास्किन ने अर्जुन के गांडीव को आराम से उठा लिया। इसका एक कारण हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। हम ये जानते हैं कि अर्जुन का गांडीव ब्रह्मदेव की रचना है, लेकिन कल्कि पुराण के अनुसार कली की रचना भी ब्रह्मदेव से ही हुई है। माना जाता है कि ब्रह्मदेव के शरीर के अगले हिस्से से धर्म और अच्छाई की रचना हुई, और उनकी पीठ यानी पिछले हिस्से से अधर्म और बुराई की, जिसका सबसे बड़ा रूप है कली असुर। और शायद इसलिए सुप्रीम यास्किन जो कली हैं या कली के वश में हैं, उसने अर्जुन के गांडीव को बड़ी आसानी से उठा लिया। इसके अलावा जो बात हमने श्री जगन्नाथ के नाम से शुरू की थी, तो एक जवाब उसका भी देते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट्स में सुप्रीम यास्किन के कहे हुए इस डायलॉग ने काफी कुछ बदल दिया। अचानक से जगन्नाथ का नाम आना कोई इत्तेफाक नहीं है। कल्कि पुराण के अनुसार कली और कल्कि अवतार की आखिरी लड़ाई जिस जगह होनी है वो जगह है जगन्नाथपुरी। और तो और जगन्नाथ के मेंशन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के की बात की गई है उसमें जो सीरम था वो सीरम और कुछ नहीं बल्कि भगवान का अंश है, पूरी जगन्नाथ में बसा ब्रह्म पदार्थ यानी श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।